हाई एवरी वह गुड इवनिंग वेलकम टू दानशोज न्यूज रूम एट एट पी एम स्लटली बैड वेदर टुडे सो टू कलेटल टाइम फॉर स्टार्टिंग द स्ट्रीम एंड वी आर मीटिंग आफ्टर टू डेज आई वॉज स्लाइटली ऑक्यूपाइड फॉर पास्ट टू डेज सो सॉरी फॉर दैट सो इसीलिए जो आज हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ट्वेंटी सिक्स मे ट्वेंटी सेवन मे और इनफेक्ट ट्वेंटी एट मे के सारे टॉपिक होंगे तो आज जो हम लोग ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन के मेजर न्यूज़ कवर करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट ट्वेंटी एट्थ मे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे

हाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो यहाँ पे बारिश हो रही है काफी तेज सो देर आर स्लाइड फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेट आई होप इट्स रनिंग फाइन फ्रॉम यू एंड ऑल्सो लेट मी जस्ट ओपन अप द स्लाइड मीट्स फिजिबल

चलिए तो स्टार्ट करते हैं जितने लोग नए हैं यहाँ पे यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ द कोर्सेज एंड यू कैन यूज द कोड डीप आई डी टैन ऑट डीप टू सेवन एंड यू कैन अवेल ऑल द कोर्सेज जैसे अभी पॉलिटी स्टार्ट हुआ है सोशोलॉजी स्टार्ट होने वाला है एंड बाकी अभी आपका चल ही रहा है अभी रात को नौ बजे जोग्रफी की कैन टेक ऑल द दब्स्रिप्शन ऑफ ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म बाई यूजिंग दिस कोड डीप आई डी टेन ऑन डीप टू सेवन बाकी दीजर लिस्ट ऑफ कोर्सेज देट आर अवेलेबल तो यू कैन गेट ऑल ऑफ द एक्सेस टू दीज कोर्सेज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तो आज है ट्वेंटी और हर साल ट्वेंटी में होता है वर्ल्ड डुगोंग डे डुगोंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इंडिया के लिए भी और वैसे भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ठीक है तो ये सी काउ है और इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु कोस्ट में गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात अंडमान निकोबार सो दे आर वेरी important स्पीशीज़ विच टेल दी यू नो कि आपका जो इकोसिस्टम है वो कितना हेल्दी है सो these आर मोस्टली वेजिटेरियन जो हैं स्पीशीज़ हैं दे लाइक फीडिंग ऑन सी वीड और आप देखोगे इनके आस साथ बाकी सारी फ़िशेज भी ट्रैवल करती रहती है दे बेसिकली एक्ट एज अ प्रोटेक्टर क्योंकि बड़े स्पीशीज हैं तो जो जनरली प्रे हंटर जो बाकी फिशेज होंगी जो प्रे कर जो प्रे के लिए हंट कर रही हैं तो वो इसके आसपास नहीं आती तो दीज आर लाइक पायलट फिशज टाइप सो दे ट्राई एंड सीक प्रोटेक्शन तो सो दिस डुगोंग इज़ लाइक बड़ा भाई टाइप्स ठीक है तो भाई जो है यहाँ पे ही इज़ प्रोटेक्टिंग द अदर स्मॉल फिशेज तो ये सी का हुआ तो वर्ल्ड डुगोंग डे आज ट्वेंटी एट्थ मे को सेलिब्रेट किया जाता है तो दिस इज़ वन ऑफ द फोर स्पीशीज सर्वाइविंग इन दर्डर सिरेनिया जो स्पीशीज एनिमल्स का क्लासीफिकेशन होता है एंड इट इज़ द ओनली एक्जिस्टिंग स्पीशीज़ ऑफ हारबी वोरस मैमल दैट्स लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी इंक्लूडिंग इन इंडिया सो वन ऑफ द ओनली फ्यू सर्वाइविंग स्पीशीज है जो हार्बी वोरस मैमल है ये सी का जो है बिकाइज जस्ट काइंडली मैसेज एवरी वन हुज़ यू नो इन द अदर ग्रुप्स इफ दे आर एनेबल टू जॉइन द क्लास जस्ट शेयर द लिंक विद दैन दट सर इज लाइव इन द क्लास क्योंकि प्रॉब्ली आई थिंक इट इज रेनिंग एट अ लॉट ऑफ प्लेसेज एंड जिस वजह से इंटरनेट वज्सो अफेक्टेड एट लॉट ऑफ प्लेस सो दीज स्पीशीज आर लिस्टेड एज वालरेबल इतना ज़्यादा क्रिटिकल एंड की कैटेगरी में नहीं आते एज पर आई यू सी एंड रेड लिस्ट जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसको रेड डेटा बुक भी बोलते हैं एंड बट इंडिया में इनको हाईस्ट लेवल मिला हुआ है यहाँ पे शेड्यूल में दिया हुआ सेवनटी टू में तो शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू दोनों ही में अगर आप देखोगे हाएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है शेड्यूल वन एंड टू आट लेवल प्रोटेक्शन टू एनी स्पीज तो

आई मनीष गुड इवनिंग तो गुल्फ ये जो uh, सी का डुगोंग्स दो बार में क्वेश्चन आया हैं इसको लेके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो जस्ट बी अवेयर अबाउट दैम इनका कैटेगराइजेशन uh, क्या है वनरेबल है डब्ल्यू पी एम शेड्यूल वन में आते हैं शेड्यूल टू में आते हैं uh, उसके अलावा हर्बी बोरस हैं कारमी बोरस हैं ठीक है, है दो दोनों चीज़ें और मैटर एक आपको मैंने एक और स्पीशीज़ बताया था मैंने uh, का रिलेटेड एक आ, मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया था एक मैटर मैटरान करके होता है दे आर मोस्टली कार्निवर्स दे लुक लाइक सी का हो बट दे का ठीक है अमन कुमार बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा आपने की द हिंदू में आर्टिकल नहीं आया द हिंदू में कल प्रिंट होगा क्योंकि अट्ठाईस तारीख आज है ना तो आज जो न्यूज है वो एक दिन बाद प्रिंट होती है ना तो मैंने आपको एडवांस में पढ़ा दिया ठीक है तो इसीलिए करंट अफेयर्स रैपअप सीरीज है तो शाम को आठ बजे इसलिए लेता हूँ कि ताकि अट्ठाईस तारीख की भी जो न्यूज आ रही है सारी के सारी इंपॉर्टेंट कवर कर लूँ और ये सिर्फ हिंदू ही बेसिस नहीं है इस कोर्स का इसमें इकोनॉमिक टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस पी आई बी एवरीथिंग इज कवर्ड हिंदू बेस रहेगा इसका तो ये आज की ही न्यूज़ है आज ही बढ़ा दी आपको एडवांस मैं हम लोग हिंदू से भी थोड़ा एक दिन आगे चल रहे हैं गोइंग अ स्टेप अहेड ठीक है तो अब काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था सर कि आजकल हीट वेव्स बहुत आ रहे हैं हीट वेव्स न्यूज़ में आ रहे हैं बहुत गर्मी पड़ रही है ठीक है तो हीट वेव्स क्या होते हैं तो आई का क्राइटेरिया होता है हीट वेव का डिक्लेयर करने का तो अभी देखोगे मेनी पार्ट्स ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र वहाँ पे देर है बीन ऑब्जर्व कि बहुत ज्यादा गर्मी वहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है मतलब राजस्थान में तो 50 डिग्रीज तक तो पहुंच चुका है चूरू डिस्ट्रिक्ट पता होगा चूरू इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान एज ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चूरू जो है और बाकी सब जगह ट्वेंटी टू डिग्री इसके ऊपर टेम्परेचर रीड करा सो द हीट वेव हैज बिन ऑब्जर्व ड्यू टू ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स प्रिवेलिंग ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया तो हो क्या रहा है सर देखो गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है आपका लो प्रेशर बन रहा है तो जब लो प्रेशर बनेगा इंडिया के ऊपर तो आपकी वेस्टर्ली साइड से जो विंड्स है वो अट्रैक्ट होंगी यहाँ पे इसी वजह से डस्ट डस्टॉम्प भी आ रहे हैं और बारिश भी आ रही है अब देखो यहाँ पे बारिश हो रही है बारिश होने के दो रीजन है एक वेस्टर्न साइड से अट्रैक्ट हो रही है विंडस और वे बे ऑफ बंगाल से भी विंड्स आपकी अट्रैक्ट हो रही है दोनों तरफ से तो दिस इज रिजल्टिंग एन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री फैक्टर्स तो आज थोड़ी हीट वेव से राहत मिलेगी लोगों को क्योंकि थोड़ी बारिश होगी और इतनी ज्यादा दो तीन दिन से आपने देखा होगा डेली रिकॉर्डेड दोन ऑफ मे इन ऑफ देश अब कैन एनी टेल मी वॉट इज द रीजन फॉर दिस कोई बता सकता है रीजन आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रीजन कि मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितना ज्यादा जोग्राफी को लिंक कर सकते हो कैन कैन एनी बडी ऑफ यू टेल मी वाई वी आर ऑब्जर्विंग सो मच अमाउंट ऑफ हाई हीट इ्लोबल वार्मिंग भी कम हो गई है क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ही नहीं हो रहा देर इज लेस पोल्यूशन नाउ तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है सबसे पहले कौन सा इसका लेटमी सी अनुरुद क्लियर स्काई से क्या होगा वॉट वॉट इज क्लियर स्काई क्लियर स्काई से क्या होने वाला है एग्जैक्टली exactly. लॉकडाउन है एमिशन नहीं हो रहे तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एरोसोल फॉर्मेशन कम होगा जब एरोसोल कम होगा फॉर्मेशन तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट कम होगा तो उस वजह से सन की डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और ग्राउंड ज्यादा हीटअप हो रहा है ग्राउंड ज्यादा ही हो रहा है बिकॉज एरोस कम बन रहे हैं और एरोसॉल कम बनने से क्या हो रहा है आपके क्लाउड्स भी कम बन रहे हैं दैट इज द रीजन करेक्ट तो हीट वेव क्या होता है इट इज अ पीरियड ऑफ एबनॉमली हाई टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल मैक्सिम टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया सो जनरली मार्च टू जून के बीच में अकर करता है एंड इन सम एरियाज़ अगर आप देखो कि केसेज में हिली एरियाज़ में अलग अलग क्राइटेरिया होता है तो उसमें दो क्राइटेरिया होते हैं कि हीट वेव आप कैसे अनाउंस करते हो तो फोर्टी डिग्री क्राइटेरिया होता है प्लेन्स के लिए थर्टी डिग्री क्राइटेरिया होता है हिल्स के लिए तो हीट वेव कंडीशन होती है कि फोर्टी डिग्री अगर अबव चमा चला जाए या फिर नॉर्मल से फोर टू फाइव डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए आपका ठीक है प्लेन एरियाज़ में बट अगर वहीं पर हिल एरिया में वो थर्टी डिग्री के ऊपर चला जाए

कि ये जो कंडीशन है या आपकी साउथ वेस्ट मॉन्सून विंड्स को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी इट विल हेल्प इन डेवलपिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई टी सी दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प तो हीटवेव का क्राइटेरिया याद रखेगा प्लेन्स के लिए फोर्टी डिग्री अबव एंड हिल हिली एरियाज के लिए थर्टी डिग्री अबव बात तो बिल्कुल सही है आपकी तो रिफ्लेक्शन जो अगर आप कम है तो रिफ्लेक्शन कम है तो रिफ्लेक्शन कम होने से क्या होगा सन की हीट ज्यादा आ रही है ना तो ज्यादा हीट अप होगी ना सन की रेस ज्यादा आ रही है बात तो बिल्कुल सही बोली कृतिका तो बोली कि क्योंकि एरोसॉल कम है तो क्लाउड फॉर्मेशन कम है और क्लाउड फॉर्मेशन कम है तो हीट रिफ्लेक्ट कम होगी तो ज्यादा ज्यादा ग्राउंड की तरफ आएगी अभिषेक वो तो बात की बात है ना बट इनिशियली अब जैसे बोल रहे हो मोर हीट फॉल मोर हीट मीन मोर रेन दैट इज नॉट कन्फर्म्ड ठीक है दैट इज नॉट कन्फर्म की मोर रेनफॉल होगा मॉइस्चर भी तो होना चाहिए ना एयर में जनरली मोर हीट डज नॉट मीन मोर रेनफॉल तो ऐसा मतलब तो सहारा रीजन में तो बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए हीट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू रेनफॉल इट डिपेंड्स ऑन अलॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ना कि मॉनसून विंडस कैसे हैं उसमें आयोडी तो डेवलप नहीं हुआ है एलिनो डेवलप नहीं हुआ है देर आर अलॉट ऑफ इंटरविनिंग फैक्टर्स मॉनसून ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेरी सिंपल टॉपिक ठीक है जो मानसून जो है इतना सिंपल टॉपिक नहीं है समझने के लिए अभी साइंटिस्ट लोग को भी समझने में टाइम लगता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल सिक्स डिग्री सिक्स टू सेवन डिग्रीज अगर आप देखोगे अगर वेरी करता है तो वो सिवियर हीट वेव कंडीशन में आ जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम जो है हरियाणा की स्कीम है न्यूज में आया है मेरी पानी मेरा 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 पानी मेरा, मेरा मेरी जो है विरासत तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जाओ ठीक है द हरियाणा गवर्नमेंट हज आज फार्मर्स की यू गो फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप लोग जो इंटेंसिव या गजलिंग हैं लाइक like राइस उसको कम ग्रो करो एंड गो फॉर मोर डाइवर्सिफिकेशन तो अंडर द स्कीम फार्मर्स विल बी सोइंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप अदर देन पैडी ड्यूरिंग द इन सोइंग खरीफ सीजन विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ फाइव सेवन थाउजेंड रुपीज पर एक उन्होंने बोला है, सरकार ने कि अगर आप राइस के बियॉन्ड कुछ ग्रो करोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा सेवन थाउजेंड रुपीज पर एकर बट फार्मर्स नाराज हो गए इसको लेके फार्मर्स ने बोला नहीं हम प्रोटेस्ट करें हम नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू स्टिक विद आवर ओल्ड एज पैडी कल्टिवेशन ही करना है हमें तो फार्मर्स ऑफ हरियाणा आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डर अंडर विच फार्मर्स हैव टू डाइवर्सिफाई एटलीस्ट ऑफ द लास्ट ईयर कल्टिवेटेड राइस एरिया बाई ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स तो उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने लॉन्च किया है किसान बचाओ खेती बचाओ

गवर्नमेंट तो देखो अच्छा काम करना चाह रही है बट प्रॉब्लम क्या है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो समाइम्स कन्विंस फार्मर्स बिकॉज उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ते हैं आपको तो मे बी दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द फार्मर्स अकॉर्डिंगली या उनको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं दिखा पा रहे हैं तो बेनिफिट दिखाएंगे तो शायद बेटर तरीके से उसको हैंडल कर पाते हैं राइट right? चलो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफेमेशन क्रिमिनल डेफामेशन और सिविल डेफामेशन तो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया है रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंस एंड स्पेशली द स्टेट स्टेट मतलब द गवर्नमेंट बॉडीज कि वो डेफामेशन को एज अ क्लॉज यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी तो जैसे किसी न्यूज ने कुछ रिपोर्ट करा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने उसके खिलाफ क्या कर दिया डेफामेशन का केस लगा दिया तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि भाई डेफामेशन का केस आप जबरदस्ती नहीं लगा सकते ठीक है दिस इज बींग मिसयूज सो द मद्रास हाईकोर्ट है पब्लिक सर्वेंस एन द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरीज कैन नॉट बी अलाउड टू मिस यूज द लॉ ऑफ क्रिमिनल डेफामेशन

तो सिविल डिफॉर्मेशन जो इतना सीरियस ऑफेंस नहीं होता क्रिमिनल डिफॉर्मेशन होता है जिसमें आप मिसकंसूव करते हो किसी ने कुछ बोला उसको करते हो फैक्ट्स को और वो एक तरीके से दूसरे के लिए हार्मफुल हो ठीक है तो इसमें क्या हुआ सब मीडिया हाउस कुड बी प्रोसिक्यूटेड बाय द अग्रीव इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी बिफोर अ अल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 199 ऑफ द सीआरपीसी बट नॉट बिफोर अ सेशन कोर्ट सिंस डेफेमेशन अगेंस्ट द स्टेट हैज बीन मेड आउट तो इसमें ये सिविल डेफेमेशन में तो आ सकता है सिविल डेफेमेशन इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑफेंस क्रिमिनल डेफेमेशन जो था वो अलाउ नहीं किया कोर्ट ने क्योंकि उसमें क्या बोला क्रिमिनल डेफेमेशन में पनिशमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट होती है सेक्शन फाइव हंड्रेड में मैंशन रहता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा और ये बड़ा ही फेमस केस है सुब्रम सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का केस है यह ट्वेंटी फोर्टीन वाला तो उन्होंने कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली अपने जजमेंट में दैट पब्लिक सर्वेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो हैं दे मस्ट बी ब्रेव इनफ टू फेस क्रिटिसिज्म उन्हें इतना इतना होना चाहिए कि भाई कि एटलीस्ट उन्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहा तो उसके खिलाफ वो ये ना केस फाइल करते कि भाई डेफेमेशन कर दिया बिकॉज दे शुड एक्ट एज अ पेरेंट ऑफ द सिटीजंस दे नीड टू प्रोटेक्ट द एवरीबडी शाश्वत राजू एवरीबडी विल फॉल एवरी पब्लिक सर्वेंट विल फॉल अंडर दिस इवन अ पीएस यू एम्प्लॉय विल फॉल अंडर दिस सो so, उन्होंने बोला दैट द स्टेट शुड एक्ट एज अ पेरेंट ऑफ ऑल सिटीजन वैन इट कम्स टू द इन्वोकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डेफेमेशन एंड लॉज के नॉट बी मिस यूज बाई यूजिंग अ स्टेट एज अ टूल टू सेटल पर्सनल एडवाइजरी मान लो किसी मीडिया हाउस से किसी को नाराजगी है मान लो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कोई न्यूज चैनल नहीं पसंद अब उस न्यूज चैनल ने कुछ प्रिंट कर दिया तो उसके खिलाफ आपने क्रिमिनल डिफेमेशन लगा दिया या उसने कुछ न्यूज दिखा दी आपके खिलाफ और वो ट्रूथ थी इट वॉज बेस्ड ऑन फैक्ट्स तो आप क्रिमिनल डेफेनेमेशन केस फाइल नहीं कर सकते यू कैन नॉट मिस यूज दिस अच्छा क्रिमिनल डेफामेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी जो है अपहेल्ड करी उन्होंने बोला क्रिमिनल डेफामेशन की जरूरत है बिकॉज मिस यूज भी बहुत जगह होता है तो उन्होंने इसको राइट आउट राइडली स्ट्रक नहीं किया है द लॉ स्टिल एग्जिस्ट बट इसको स्पेरिंगली यूज करना चाहिए जहां पर रियल जेन्यन वे में डेफॉमेशन हुआ है अरुण जेटली जी का केस था आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल वाला केस था राहुल गांधी की भी ऊपर हुआ था मल्टीपल केसेस होते हैं डेफॉमेशन के तो अगर इंडियन क्रिमिनल लॉ की आप बात करोगे तो डिफॉर्मेशन हैज बीन स्पेसिफिकली 499 में इसको स्पेसिफिकली आपका सिविल डिफॉर्मेशन है टॉर्ट लॉ अब टॉर्ट लॉ जो है सारे लोगों को नहीं पता होगा टॉर्ट इज बेसिकली के जो अगर लॉ का स्टूडेंट पता होगा टॉर्ट बहुत फेमस है तो इट इज एन एरिया ऑफ लॉ विच डज नॉट रियली रिलाई ऑन लॉज मतलब स्टैचूट जो पास किए गए टू डिफाइन रॉन्ग बट टेक्स फ्रॉम मल्टीपल केसेस से उसका इंस्पिरेशन लिया जाता है दैट वॉट वुड कंस्टिट्यूट अ रॉन्ग मतलब एक स्पेसिफिक लॉ नहीं होता टॉट में मल्टीपल लॉज से इंस्पिरेशन लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एस टॉट्स इन लॉ तो सेक्शन फोर नाइन नाइन क्रिमिनल डिफेमेशन को एक्सप्लेन करता है ठीक है कि इसमें आपने वर्ड्स यूज किए टू बेसिकली डिफेम समबडी थ्रू साइंस टू विजिबल रिप्रजेंटेशन आपने कुछ बोल दिया कुछ लिख दिया इवन इन एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो और सेक्शन 500 जो है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है कि डेफेमेशन में क्या पनिशमेंट होता है सो डिफेम्स सिंपल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू टू इयर्स और फाइन तो दो साल तक की आपको सजा हो सकती है इम्प्रिजमेंट अंडर क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डिफेमेशन में क्या होगा कि आप अवॉर्ड मतलब बेसिकली बोल दोगे कि चलो सिविल डिफेमेशन हो गया तो आप उसमें इंप्रिजनमेंट नहीं होता माइनर ऑफेंस होता है उसमें आपने क्या दिया पेनल्टी लगा दी पैसे की कुछ कि आपको कुछ डैमेज अवॉर्ड कर दिया गया कुछ पैसों का बट क्रिमिनल डिफेमेशन में यू माइट भी फॉर इम्प्रिजमेंट हो जाए यू माइट भी इंप्रिजन फॉर टू इन क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको दो साल की सजा हो सकती है विथ फाइन इंक्लूडिंग फाइन तो सिविल डिफेमेशन मोस्टली अलाउ कर दिया जाता है फाइन जो है आपका लगा देते हैं बट क्रिमिनल डेफामेशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है आपको प्रॉपर एविडेंस दिखाना पड़ता है कि कैसे किसी की इमेज को मलाइन किया गया मान लो कोई बोल दे कि अरे ये तो पॉलिटिशियन बहुत बड़ा चोर है या ये बहुत करप्ट है तो आपको प्रूव करने के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए कि आपने कैसे बोल दिया किसी पॉलिटिशियन को आपने उसकी इमेज खराब कर दी तो क्रिमिनल डेफामेशन का केस हो जाएगा सो so, इन्होंने बोला इसीलिए बोला जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया है दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर जो गवर्नमेंट एंप्लॉइज हैं वो लोग डेफामेशन का रूट यूज ना करें ताकि वो लोग क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते क्रिटिसिज्म हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए दे शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया और इवन पब्लिक एटलीस्ट दे आर पब्लिक सर्वेंट्स तो पब्लिक से तो क्रिटिसिज्म हैंडल करना तो उनके लिए वैलिड होना चाहिए तो ये चीज़ थी तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर पॉलिटी नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉलिटी इन न्यूज़ एक्चुअली मोर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एटीन सेवेंटी टू में एक मैंशन किया गया फोर्स मेजोर दिस वर्ड इज मैंशन एज फोर्स मेजोर मैंने ट्वेंटी फिफ्थ मे के न्यूज़पेपर uh, में मैंने आपको दिखाया था न्यूज़ रूम में इसका रेफरेंस आया था फोर्स मेजोर क्लॉज का खान मार्केट वाला केस था कि खान मार्केट में जो ओनर्स uh, हैं शॉप्स के वो लोग बोल रहे हैं कि हम रेंट नहीं दे पाएंगे बिकॉज हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो उसमें डेली कोर्ट ने बोला कि अगर फोर्स मेजोर क्लॉज है या फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूज़ कर सकते तभी पॉसिबल है तो फोर्स मेजोर होता क्या है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन होता है ये कि इट इज़ बेसिकली लाइक अ क्लॉज कि अगर ये चीजें हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अर्थक्वेक आ जाए और बिल्डिंग आपकी डैमेज हो जाए तो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी ठीक है तो जैसे वही एक्ट ऑफ गॉड टाइप्स तो फोर्स मेजोर में मैंशन करना पड़ता है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन अ कॉन्ट्रैक्टुअल प्रोविजन फोर्स मेजोर के अंदर लिखा रहेगा दैट डीज आर द पॉसिबल थिंग्स और एक्टिविटी दैट कैन टेक प्लेस अगर ये सारी एक्टिविटी होंगी या ये सब चीजें होंगी इसके अंदर अगर आपका क्राइटेरिया फॉल करता है तब तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइट हो जाएगा मतलब ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं होगा तो नहीं होगा तो जैसे अब कोविड तो बिल्कुल ही नई सिचुएशन है कोविड में तो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई एपिडेमिक भी आ सकता है ऐसा इंडिया में कि जहां पे एपिडेमिक और पैंडमिक आ जाए तो यू you नो know, सारा बिजनेस बंद हो जाए तो अगर ऐसी कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसिस अगर आपके क्लॉज में मैंशनड है तब तो फोर्स मजोर आप यूज़ कर सकते हो अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते so it envisages that if a contract is contingent on the happening of an event which and which event becomes impossible then the contract becomes void the supreme court recently a reference abhi case ka hai, mein doctrine of frustration ke baat hai. doctrine of frustration says that it only apply where the parties have not specified Bahut important, the it will only apply where the parties have not specified the consequences of an event which renders the performance of the contract impossible सो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहां पे यूज होती है जहां पे मैंशनड नहीं है क्लॉज में इन द कॉन्ट्रैक्ट कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी बट इन द केस ऑफ फोर्स मेजोर उसमें पार्टीज आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसमें यह कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज मोर ओपन एंडेड उसमें मल्टीपल चीजें आ सकती हैं फोर्स मेजोर के अंदर स्पेसिफिकली मैंशन रहता है कि आउट ऑफ दीज थिंग्स अगर ये पांच एक्टिविटी होती हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया आ, फायर आ गया स्टॉम आ गया मतलब चार पांच चीज़ें मैंशन कर दी तो अगर वो फोर्स मेजोर के अंदर मैंशनड है तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होगा नहीं तो नल एंड वॉइड नहीं होगा दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वॉज मैंशन तो फोर्स मेजोर एंड डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर डिफरेंट डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वाइड है उसमें चीज़ें मैंशन करना जरूरी नहीं होता फोर्स मेजोर के अंदर मेंशन करना होता है कि कौन कौन सी चीजें आपकी कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड हो सकता है फोर्स मेजोर के अंदर बेसिकली आप लिखोगे कि अगर सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी या इतना हो गया या कोई मान लो नेचुरल कलामिटी आ गई अर्थक्वेक आ गया बोल्केनो आ गया सुनामी आ गई तो आप मैंशन कर दोगे बट अगर उस फोर्स मेजोर क्लॉज मतलब फोर्स मेजोर का मतलब यही है कि क्लॉज के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड फोर्स करने की कंडीशन क्या है नल एंड वाइट मतलब कैंसिल कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लीगेशन पूरे फुलफिल नहीं करें सिंपल तरीका बताता हूँ इसका क्या है कि जैसे खान मार्केट का के के केस में क्या हुआ खान मार्केट में जो मार्केट ओनर्स हैं शॉप ओनर्स उन्होंने बोला कि भाई हम रेंट नहीं दे पाएंगे इतना एक्सपेंसिव क्योंकि हमारी दुकानें खुली नहीं हैं तो जो जिसकी जिसका एरिया है जिसकी प्रॉपर्टी है उसे तो रेंट चाहिए तो उसने बोला कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो फोर्स मेजोर के अंदर लिखा नहीं था कि कोविड टाइप पैंडेमिक आएगा तो आप रेंट नहीं दोगे तो इसलिए वो लोग ये क्लॉज यूज नहीं कर सकते नॉट टू पे रेंट तो उन्हें रेंट पे करना पड़ेगा बिकॉज जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अग्रीमेंट साइन किया था उसमें उन्होंने फोर्स मेजोर के अंदर पैंडेमिक मैंशन नहीं किया था उन्होंने पैंडेमिक मैंशन नहीं किया था कि पैंडेमिक कंडीशन में दे विल नॉट पे रेंट क्योंकि सोचा नहीं था कभी तो उन्होंने क्या करा कोर्ट गए कि सर फोर्स मेजोर में तो मेंशन नहीं है बट दिस कम्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डॉक्न ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो कंडीशन होती है जिसमें आप कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए तो इस वजह से ये न्यूज में आता आई होप इट इज़ क्लियर नाउ सो डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज मच मोर वाइडर ऑफ़ फ्रस्ट्रेशन में पॉइंट मेंशन करना जरूरी नहीं होता कंडीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता अंडर विच द क्लॉज कैन बी कैंसल्ड और मेड नाइड नेक्स्ट आते हैं पुरंदर दास के बारे में भक्ति बहुत बड़े फेमस भक्ति सेंट हैं इनका रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो स्टडी करेगी कि इनके रियल बर्थ प्लेस के बारे में जानने के लिए बिकॉज इस पर एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि इनका रियल बर्थ प्लेस क्या था तो पुरंदर दास जो है ही वॉज अ वेरी फेमस वैष्णवाइट भक्ति सेंट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर के रूल पे सो बिफोर अडॉप्टिंग वैष्णवाइट ट्रेडिशन ही वॉज अ वेरी रिच मर्चेंट तो इनका नाम श्रीनिवास नायक था पहले तो द प्रोपोन ऑफ द थ्योरी दट पुरंदर दास वॉज बॉर्न इन मलनाथ रेफर टू इज ओल्डर नेम एंड पॉइंट दट नायका टाइटल वॉज एट्रीब्यूटेड टू लोकली इन्फ्लुएंशल पीपल इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स इन द मलनाथ रीजन ड्यूरिंग विजयनगर रूल तो नायका पीरियड आपको बताओ नायका रूरल तमिलनाडु में थे मोस्टली सो नायका रूलर्स आपकी जैसे मीनाक्षी टेम्पल नायका पीरियड के अंदर बनाए तो so, उसमें ना कॉन्ट्रोवर्सी इनके बर्थ प्लेस को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि यह मलनाथ को बिलोंग करते हैं कुछ लोग बोलते हैं दूसरे प्लेस को बिलोंग करते हैं तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि इस पर वो स्टडी करेंगे दे विल बेसिकली गो फॉर अ स्टडी सो ही वॉज अ ग्रेट डिबोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ही वॉज अ वैश्नवाइ सेंट ठीक है एंड ही वॉज अ पोएट एंड अजिशन ही कंसडर ही वॉज कंसिडर एज अ फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक उनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारा बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क किया इन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू म्यूजिक सिस्टम एंड विच वॉज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया म्यूजिकल साइंस एक्सप्लेन इन द वेदास सो ही आइडेंटिफाइड एटी फोर रागजा एंड डिज़ अस्टम ऑफ टीचिंग इन कर्नाटिक म्यूजिक एंड ही कंपोज सॉन्ग्स इन कन्डा संस्कृत विद पेन नेम पुरंदर विट अल तो इनका जो नाम था जिसमें इन्होंने कंपोज करते थे उसके नीचे तो so so आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्क्यलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आपका ये हिंदू में आर्टिकल आया था उसको लेके देर वॉज एन आर्टिकल इन हिंदू 26 मई को ठीक है अभी कोरियन अग्रीमेंट जो है ये रिसेंटली न्यूज में है तो ये Line है, मैंने अपने कोर टॉपिक्स में कोर कॉन्सेप्ट वाले क्लास में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो था इंटरनेशनल अफेयर्स वाला उसमें मैंने आर्मिस्टिस लाइन के बारे में पढ़ाया था आर्मिस्ट लाइन इज बेसिकली लाइक जोन ठीक है डी जोन या पीस जोन जहां पर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट होता है दोनों साइड की जो कंट्रीज होती है दे डोंट गो फॉर फाइटिंग इट इज लाइक अ बॉर्डर इट इज लाइक अ टेम्पररी बॉर्डर होता है तो कोरियन आर्मिस्टिस अग्रीमेंट जो था नाइनटीन में साइन किया गया था जो बेसिकली हॉस्टिलिटीज थी बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया उसको भी ले आया बेसिकली तो मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम बोथ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया जो साउथ कोरिया था वो यूएस एल आई है तो यूएस लेड साउथ कोरिया जो था उसने अग्रीमेंट साइन किया और विथ नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन करता है चाइना और साउथ कोरिया का एल है यूएसए तो ये जो बीच में जोन है इसको बोलते डी मिलिटराइज जोन यहां पे दोनों साइड इट इज लाइक अ नो मैंस लैंड ना उनकी आर्मी आती है ना इनकी आर्मी आती है अब बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है जिसका नाम है पैनमुन जॉम दिख रहा है आपको ये मैप में पैनमुन जॉम जिसको मैंने सर्कल किया है इसको पीस विलेज भी बोला जाता है इसका नाम पीस विलेज भी बिकॉज यहां इस विलेज में दोनों साइड के लीडर्स की मीटिंग हुई थी पीस के लिए तो ये रिसेंटली न्यूज में भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे बात करने के लिए तो पैनमुन जॉम इज द पीस विलेज पैनमुन जॉम इसको पीस विलेज भी बोला जाता है है ये बीच में है। और ये जो लाइन है आपने होगा का नाम सुना है। ये है है डिग्री ठीक जो नेचुरल बॉर्डर बनाता है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इट इज कॉल्ड एज थर्टी एट पैरल तो ये भी मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो डी एमसी जो डीमेटराइज बेसिकलीयर दिन कोरियन वॉर

आपके लोकस्ट का अब आपने देखा होगा पूरे इंडिया में लोकस्ट बहुत सारे आ गए ठीक है तो ये लोकस्ट जो है ट्रेवलिंग फ्रॉम अफ्रीका गोइंग थ्रू अरब स्टेट्स एंड पाकिस्तान होते हुए इंडिया तो ये जनरली जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठीक है तो दीज लोकस्ट ये जो है आपके टिड्डे जिनको बोलते हैं डेजर्ट लोकस्ट तो ये बीज आर बेसिकली शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर की ही ब्रीड होती है सो दे हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस प्लेसेस सोमालिया से आते आते दे हैव ट्रैवल टू इंडिया एंड समर में यहाँ पे ब्रीड करते हैं तो पहले भी आते थे बट इस बार थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई उनकी और आप देखोगे हर जगह मुंबई से लेके राजस्थान से एम यूपी हर जगह आपको ये दिख रहे हैं तो इसका पूरा जेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है जनरली इन द मंथ ऑफ जनवरी फेबररी एंड मार्च तो हुआ क्या है बेसिकली ये जो है इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बन गई थी अफ्रीका में इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तो बेसिकली जो ये जो जो लोकस्ट हैं दे आर बेसिक आर शॉर्ट हॉन ग्रास ओपर वेराइटी ये ह्यूमन्स और एनिमल को अटैक नहीं करते बट दे हैवे अ वेरी हाई कपैसिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स पूरे के पूरे क्रॉप्स खा जाते हैं तो ये हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करेंगे बिकॉज फार्मर्स की पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है और अभी जो हमने इस बार एक्सपेक्ट किया था कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होगा इस बार रिकॉर्ड होगा तो वो थोड़ा थ्रेटन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मैनेस ऑफ लोकस्ट सो इनका जो ओरिजिन या जो नंबर आप कह सकते हो इतना ज्यादा इस बार बढ़ा है बिकॉज 2018 में साइक्लोन आए थे दो बहुत इंपॉर्टेंट मिखून एंड लुबान तो इन्होंने ओमान और यमन को स्ट्रक किया था तो इससे क्या हुआ जो ये बहुत बड़ा जो ड्राई एरिया था यहां पे क्या हुआ बारिश बहुत ज्यादा हुई तो लार्ज ट्रैक्स ऑफ डेजर्ट वेयर कन्वर्टेड इन टू लेक्स तो जो ड्राई एरियाज थे वो लेक्स में कन्वर्ट हो गए बहुत सारे बारिश की वजह से तो वो फेवरेबल ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया इनके लिए और इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी लास्ट एक साल में और इनकी पॉपुलेशन बढ़ने से दे अटैक अ लॉट ऑफ क्रॉप्स इन ईस्ट अफ्रीका फ्रॉम नवंबर एंड बिल्ड अप इन सदन ईरान एंड पाकिस्तान सिंस द ऑफ 2020 अब जहां ज्यादा बारिश होती है बारिश बेसिकली इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है तो ये जो मॉइस्चर अब देखो जैसे इंडिया में बारिश हो गई अब बारिश होने से और ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी दे ब्रीड वेरी फास्ट इन रेन

नॉट प्रिलियम्स 2019 में क्वेश्चन आया था बैंक बोर्ड ब्यूरो को लेके अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो अगेन न्यूज में है बिकॉज uh, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उन्होंने एस एन राजेश्वरी को सेलेक्ट uh, uh, किया एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेली बेस्ड ओरिएटल ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है पहली बात तो ये पब्लिक अथॉरिटी आता है आरटीआई एक्ट के अंदर ठीक है सो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है इनकी रिस्पॉसिबिलिटी होती है चेयरमैन एंड सीएमडी अपॉइंट करने की पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सो so, कमेटी जो थी इट वॉज दिस बैंक बोर्ड ब्यूरो वॉज सेट अपन डे द रिकमेंडेशन ऑफ पीजे नायक कमेटी तो गवर्नमेंट ने 2016 में अप्रूव किया था दिस बॉडी को टू बेसिकली मेक रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक तो ये क्या ऑटोनोमस बॉडी है और रिकमेंडेटरी बॉडी है इट इज एन ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी बट अल्टीमेटली दे ओनली रिकमेंड एडवाइजरी बॉडी फाइनल डिसीजन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही होता है एंड दे डिस्कस दी पीएमओ बट दे हैवेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बैंक बोर्ड ब्यूरो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि दे हेल्प इन डिसाइडिंग और रिकमेंडिंग द नेम फॉर सी एम डी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए तो यह प्रश्चन पूछा गया पूछा गया था कि क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक बोर्ड ब्यूरो की बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है

ट ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है ठीक so 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 है सो दिस केम इन द न्यूज सो दिस इज इट फोट टूडे सो ट्वेंटी सिक्स मे ट्वेंटी सेवन मे के मेजर न्यूज आइटम हमने कवर कर दिया है एडिटोरियल इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थे एडिटोरियल विल पिकटअप ऑन सैटरडे और अभी ट्वेंटी की कुछ न्यूज पेंडिंग है तो कल हम लोग ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइन्थ दोनों के न्यूज को क्लब करके वी विल कवर थिंग्स सो जो लोग को पी नहीं मिली है प्लीज गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दीपांशु सिंह यू आप जाओगे टेलीग्राम पे टाइप करो दि सिंह यू पी यू विल गेट द लिंक टू दिस कोर्स एंड द पी डी एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी एंड ऑल्सो इफ यू टेक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट एक्सेस टू माई प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ठीक है जो सिर्फ प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए है बाकी आई एल सी यू का इज टूमारो फॉर द सेशन एंड नाइन पी एम पे हम लोग मिलेंगे फिजिकल जोग्राफी कोर्स के लिए जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज volcanism and tsunami and apart from that i'll be available on these channels for any sort of queries and questions you guys have okay so this was a quick and short session with all the important happenings around the world from last two days so i'll see you guys very soon tomorrow at the same time same time same venue unacademy's upsc current affairs channel at 8 p.m for the Pancho's newsroom that is current Devast.